पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। पंजाब की सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे दी। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात को देख कैप्टन की रवानगी लगभग तय है। सियासी जानकारों की माने तो कैप्टन के किरदार और उनके राजनीति करने के स्टाइल को देखते हुए इस बात की संभावना बेहद कम है कि वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनके कांग्रेस छोड़ने की सूरत में सबसे बड़ा रास्ता बीजेपी की तरफ जाता है। कैप्टन एक बार पहले भी कह चुके हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले पंजाब कांग्रेस में नजरअंदाज किए जाने के कारण वे भाजपा में जाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे में ये भी चर्चा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कैप्टन से संपर्क साधा है। वे कृषि कानून रद्द करवाकर पंजाब में भाजपा का चेहरा बन सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वे अक्सर मोदी के साथ गृह मंत्री शाह से भी मिलते रहते हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन भाजपा की टॉप लीडरशिप से संपर्क कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।